Audio Jungle. अवैध काम को अपनी कड़ी निगाह से देखने, आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने वाले शहडोल रेंज के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दिनेश चंद्र सागर ने पुलिस कंट्रोल रूम उमरिया में पत्रकार वार्ता कर गत दिवस जिले के मानपुर थाना अंतर्गत पौड़ी घाट में पकड़ी गई अवैध रेत के मामले पर कहा कि किसी भी कीमत पर राष्ट्रीय धरोहर पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उमरिया जिले के मानपुर थाना अंतर्गत पौड़ी घाट के सोन नदी से प्रतिबंधित समय में रेत का अवैध उत्खनन करते पाए गए पोकलेन मशीन, हाईवा व अन्य मशीनों को मुखबिर की सूचना पर SDOP व मानपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 पोकलेन मशीन, 4 नग ट्रक और रेत करीब 3,60,00,000 रुपए का मशरूका जब्त करते हुए कार्रवाई की है। जिले में बड़ी कार्रवाई को लेकर नवागत अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दिनेश चंद्र सागर ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया तो वहीं इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ठेका होने और शासन के नियम के बाद भी संबंधित ठेकेदार नियम विरुद्ध नदी से अवैध उत्खनन कर रहा था, जिस पर जिले की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। वहीं अभी जो गाड़ियां मशीन पकड़ी गई है उसकी पड़ताल की जा रही है, किसकी है, कैसे है, जो रेत गाड़ियों में मिला है उसकी भी जांच की जाएगी और जो राजसात की कार्रवाई है वह कलेक्ट्रेट उमरिया की कोर्ट में चलेगी और उम्मीद है कि ऐसे कृत्यों पर विराम लगेगा। जो पर्यावरण नियम है उसका उल्लंघन किया गया है, लोग ऐसी कार्रवाई से सबक लें। परिवहन को लेकर उमरिया के जो एडिशनल SP हैं, उमरिया के जो CSP हैं, SDOP हैं, TI हैं और जो उनका स्टाफ है, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन कार्रवाई की है और ये कार्रवाई इतनी पुख्ता है कि जो शासन के नियम हैं कि इस अंतराल के अंतर्गत आप रेत का उत्खनन नहीं करेंगे, उस अंतराल के अंतर्गत ही रेत का उत्खनन किया गया जो कि अवैध है और साथ ही जो राष्ट्रीय संपदा है रेत, उसको आपने बिना किसी अथॉरिटी के, बिना किसी अनुज्ञप्ति के, बिना किसी लाइसेंस के आपने यदि उसको निकाला तो चोरी की श्रेणी में आता है। तो इसमें पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है, इसमें विभिन्न धाराओं में जिसमें प्रमुख रूप से 379 IPC है और बाकी 120B और अन्य लगी हुई हैं, साक्ष्य को छिपाने का भी इसमें तंतु लगा हुआ है और साथ ही जो माइनिंग एक्ट है उसके अंतर्गत भी इसमें कार्रवाई की गई है। ये संयुक्त कार्रवाई थी पुलिस की और मैजिस्ट्रेट्स की और माइनिंग डिपार्टमेंट की, तो माइनिंग डिपार्टमेंट ने अपने जो अधिनियम है उनके अंतर्गत कार्रवाई की है। तो कुल मिलाकर ये है कि इसमें अति आधुनिक जो यंत्र पकड़े गए हैं, जो गाड़ियां पकड़ी गई हैं, जो फोकलेन पकड़े गए हैं, उन सब की अभी पड़ताल की जा रही है कि वो किसकी हैं और कैसी हैं, उनके नंबर क्या हैं और जो रेत उन गाड़ियों में मिला है, उन हाईवा में मिला है, वो फोकलेन में मिला है, तो वो रेत कहाँ से परिवहन हुआ, क्योंकि बगल में सोन नदी है, घाट है बगल में, तो ये सब चीज़ें जो है विवेचना के अंतर्गत आएंगी। मुकदमा दर्ज हो चुका है और इसमें राजसात की कार्रवाई भी जो कलेक्टर उमरिया हैं उनके कोर्ट में इसमें चलेगी। तो मुझे उम्मीद है कि जो इस ये जो ऐसे अवैध कृत्य हैं इन पर विराम लगेगा, क्योंकि ये चीज़ ऐसी हैं जिसको हम टॉलरेट नहीं कर सकते और ये राष्ट्रीय संपदा की चोरी है और जो नियम बने हुए हैं उन जो इम्पैक्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी है उसके द्वारा जिस दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसके अंतर्गत जो कलेक्टर का आदेश है उसका इन्होंने उल्लंघन किया है। तो कुल मिलाकर ये है कि इस कार्रवाई से लोग सबक लें और ऐसे अवैध कृत्य में या किसी प्रकार के अवैध कृत्य में वो लिप्त ना हों।